अपनी इस उपलब्धि पे बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरे को राष्ट्रीय लेवल पर जो सम्मानित किया जाएगा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इस चीज़ का अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है ये पुरस्कार ग्रहण करने का। मैंने एक रशियन लेडी की हेल्प करी थी, वो रशिया से भारत आई थी और यहाँ पर आने के बाद उसके साथ लूटपाट हुई, और इस इंसिडेंट को देखते हुए मैंने उसकी हेल्प करी उस मोमेंट पे, और मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डीसी द्वारा सम्मानित किया गया 3 अगस्त को, और उसके बाद मुझे स्टेट लेवल पर भी सुभाष बराला जी द्वारा सम्मानित किया गया गुड़गांव में। तो उसके बाद फिर हमने अपना ये जो एक्ट था इसकी रिकमेंडेशन आगे नेशनल अवार्ड के लिए दी, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा उसमें नॉमिनेशन सिलेक्ट हो गया। 22 जनवरी को मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा दिल्ली में, और अगले दिन 23 जनवरी को मुझे प्रधानमंत्री द्वारा बातचीत होगी बच्चों की, और ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत करने और देश के लिए आगे सोचने के बारे में। 26 जनवरी को मुझे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा और अवसर है। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव साइड से देखता हूँ। हमारे देश में ऐसे हज़ारों केसेस होते हैं हर रोज़, मगर ज़रूरी नहीं कि हर केस में कोई मदद करने के लिए होती है। तो मैं सबको ये मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप भी अपने आसपास जहाँ पर कुछ ऐसी गलत घटना देखें तो ज़रूर मदद के लिए उतरें। ये एक रशियन लेडी जो आई थी रशिया से, तो उसकी मदद करने के सिलसिले में पहले ये जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुका था। इसके चलते हमें सरोज मलिक जी हैं ICCW में, तो उन्होंने सलाह दी कि इनका वुमेन एंड चाइल्ड केयर में भी नाम भेजा। उसके बाद हमने ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई किया, और चंडीगढ़ में भी एक उसकी कॉपी थी, फिर वो वहाँ से रिकमेंड होकर आगे दिल्ली में गई, जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है, तो उन्होंने हमारा सौभाग्य है कि इसका नाम सिलेक्ट किया, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर जिसने भारत की एक सूक्ति अतिथि देवो भव को सार्थक किया है।